ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेकर आ चुका हूँ आप लोगों ने न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो मैंने किस तरीके शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर लेना, और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आना प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक सी के इफेक्ट और एक है बीट वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आना तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड माई मटेरियल्स, वो वाला वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से आप जो है मेरे बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट और XML किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, आप इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने बीट प्रोजेक्ट को ओपन करना, ठीक है। सिंपली आपको अपने बीट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसको जैसे ओपन करो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है वो जो है दिखा देता हूँ मैं, ये वाला लेमन मिल्क बोल्ड करके, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना लाइट मोशन के अंदर। उसके बाद जो ये वाला सेम फॉन्ट आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर कोई और फॉन्ट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से वीडियो दिख जाएगा, कुछ इस तरह से क्लिप दिख जाएगा वीडियो का। अगर यहाँ पर गाइस ऐड किया हुआ ना मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डाउनलोड करके इस क्लिप को यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। इस क्लिप का भी जो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐड ना रहे तो आपको ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से बीट मार्क है और यहाँ तक ये आएगा, ठीक है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्टार्टिंग में आना जहाँ से आपका मेन बीट स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, ठीक है। और यहाँ से आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, जिस फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बीट पे आना और इस इमेज को यहाँ से ट्रिम कर देना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको वन बाय वन करके यहाँ पर अपने सारे इमेजेस को जो है एंड तक ऐड कर देना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा फोटो ले लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना। तो गाइस, काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इजिली कर सकते हो, ठीक है, इजिली यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज ले लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको सारे इमेजेस को जो पूरा एंड तक ऐड करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर आपको अपने इमेजेस को ऐड करना है। तो इस तरह से अपने सारे इमेजेस को जो पूरा एंड तक ऐड कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सब इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है, पूरा एंड तक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बीट सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे आने के बाद इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना सिंपली, और आपको अपने बीट वाले प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से स्टार्टिंग पे आना, ठीक है, जहाँ से आपका फर्स्ट इमेज स्टार्ट होता है। इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इमेज पे आना, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करके सेम इसी इफेक्ट को, पूरा इमेज जितना भी यहाँ पर आपको मिलेगा एंड तक, इसी एक इफेक्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब जगह इस एक इफेक्ट को पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना वन बाय वन करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर आपको अपने इफेक्ट को ऐड करना है। तो इस तरह से आप अपने सारे इफेक्ट को पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम इस तरह से आपको क्या करना है, पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक, किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पर सब जगह पेस्ट कर लेना इफेक्ट को पूरा एंड तक। सो फाइनली देख सकते हैं हमने सब जगह इफेक्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना, प्लस पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल लेयर करना, ठीक है, लास्ट लेयर को अनटिक करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी फाइव लेयर्स कर देना, ठीक है। फिर आपको बैक आना है, बीट वन प्रोजेक्ट पे जाना है,
प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट फाइव लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखते पूरा एंड तक ही ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक आपका जो है प्रीसेट बना के दिया, ठीक है। आपको इतना करने के बाद आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना, वीडियो का क्वालिटी जो भी रखना चाहते हो रख लेना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।